नमस्ते दोस्तों, मैं सहदेव सावके और आप देख रहे हैं यज्जे फार्मा यूट्यूब चैनल। यज्जे फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 2021 में एसबीआई फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया था और एसबीआई फार्मासिस्ट की एग्जाम की डेट भी आ गई थी। डेट थी 23 मई 2021, लेकिन कोविड के रीजन से डेट पोस्टपोन हो गई थी। तो फिर उस एसबीआई फार्मासिस्ट का जो पेपर था, उस पेपर के एग्जाम डेट अब आ गए है, उसी के बारे में आज हम ये वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, हमने एसबीआई फार्मासिस्ट 2021 में फॉर्म फिल किए थे तो एग्जाम की डेट आ गई है 13 सितंबर, यानी कि सितंबर इस मंथ के 13 तारीख को एसबीआई फार्मासिस्ट जो क्लरिकल कैडर का एग्जाम है वो एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे और इसके हॉल टिकट भी अभी अवेलेबल हो गए हैं और हॉल टिकट के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस लिंक पे जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कीजिएगा। और ध्यान में रखिएगा 13 सितंबर को आपकी एसबीआई फार्मासिस्ट 2021 की क्या है, एग्जाम है। तो इसमें एक सेक्शन रहेगा नॉन टेक्निकल का और दूसरा सेक्शन रहेगा टेक्निकल का। जो अपने डीएचएस, जो अपने फार्मासिस्ट के, फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम है वैसा ही पैटर्न है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस और मार्किंग इसमें अलग है। तो इसमें क्या किया गया है, 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, यानी कि आप जनरल नॉलेज इसको बोलते हैं, तो 25 क्वेश्चन इसको जनरल नॉलेज के लिए रहेंगे उसको अपन जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश ग्रामर अपन इसे बोलते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम इसे कहते हैं, हमारे यहाँ पे मैथ्स बोलते हैं उसे, और उधर थोड़े से टेबल्स वगैरह दिए होंगे आपको, उसको आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझ के उसके ऊपर क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मैथमेटिक्स के बेस पे क्वेश्चन रहेंगे, उसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, इसे हम जनरल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस की भी 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और ये जो चार सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन के, तो इन सभी को एक मार्क्स के, ऐसे 100 मार्क्स के नॉन टेक्निकल के क्या रहेंगे आपके, 100 मार्क्स रहेंगे और 100 ही क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन को एक ही मार्क, यानी कि 100 मार्क्स इसे नॉन टेक्निकल में रहेंगे। उसके बाद आपका मेन सेक्शन है प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि फार्मेसी का, तो इसमें हम फार्मेसी के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन फॉर फार्मासिस्ट। और उसके बाद फार्मेसी के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहे, 2 मार्क्स रहेंगे और 100 मार्क्स का फार्मेसी सेक्शन रहेगा, यानी कि 100 मार्क्स फार्मेसी सेक्शन के और 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल सेक्शन के, ऐसे 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और पेपर में हालांकि 185 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहेंगे और 50 क्वेश्चन इसमें टेक्निकल के रहेंगे। नॉन टेक्निकल एक मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 100 मार्क्स ये, और टेक्निकल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेगा और इसके 100 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। तो आप अगर एसबीआई फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरा चैनल है यज्जे फार्मा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जो फार्मासिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट रहे या स्टेट गवर्नमेंट रहे, इसके जो क्वेश्चन रहते हैं टेक्निकल के, ये मैं रोज अपलोड करते रहता हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।